दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मदर सुमी सिस्टम लिमिटेड के बारे में। जी हां दोस्तों, मदर सुमी सिस्टम लिमिटेड अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट यहां पर कल अनाउंस करने वाली है, जिसको लेकर यहां पर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। साथ ही साथ डिविडेंड और बोनस को लेकर भी यहां पर जो अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो मदरसन सुमी के अंदर आज आपको 242.15 रुपये का हाई देखने को मिला। साथ ही साथ में अगर इसके 52 वीक के हाई की बात करें तो 248 रुपये का हाई आपको कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान अचीव होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल कंपनी के रिजल्ट भी है। साथ ही साथ रिसेंटली इनकी तरफ से जो अपडेट निकल कर आई थी, जिसमें CCI की तरफ से जो इनको अप्रूवल मिल चुका है, अब उसके बाद में इनका रीऑर्गेनाइजेशन प्लान जो है उसके अंदर भी बहुत बड़ी अपडेट कल आपको देखने को मिल सकती है। कंपनी यहां पर फाइनेंशियल रिजल्ट और डिविडेंड को लेकर तो कल अनाउंसमेंट करने ही वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी ने यहां पर डेट भी अनाउंस करी थी जो कि कल की ही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, तो पिछले साल कंपनी ने 1.5 रुपये पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था। 2019 की बात करें तो 1.5 रुपये पर शेयर का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया था। 2018 में कंपनी ने 1:2 के रेशियो का, यानी कि 1:2 के रेशियो का बोनस इश्यू किया था। साथ ही साथ 2018 की बात करें तो कंपनी ने 2.25 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था, और 2017 में भी कंपनी ने 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। यानी कि अगर आप यहां पर रिजल्ट देखेंगे तो एक कॉमन चीज़ आपको यहां पर देखनी पड़े मिलेगी, 2017, 2018, 2019 और 2020 कंपनी कंटिन्यूसली 4 साल से डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि कल के रिजल्ट के साथ साथ आपको डिविडेंड तो देखने को मिलने वाला ही है, लेकिन अगर हम बोनस शेयर की बात करें तो कंपनी की तरफ से अभी बोनस शेयर को लेकर कोई फाइनल डिसीजन यहाँ पर निकल कर नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड के कुछ पास्ट रिजल्ट के बारे में, जिसको लेकर कल की एक्सपेक्टेशंस यहां पर हम लगा सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे कि Q3 2019-20 के Q3 में कंपनी ने जो रेवेन्यू डिक्लेयर किया था वो 15,551 करोड़ रुपए का था, और लास्ट ईयर यानी कि Q3 जो कि अभी रिसेंटली यहां पर कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया था 2020-21 के Q3 का, उसमें कंपनी ने 17,923 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डिक्लेयर किया था, यानी कि पिछले साल के कंपेयर में लगभग 15% ज़्यादा। साथ ही साथ अगर EBITDA की बात करें तो EBITDA के अंदर भी आपको लगभग 56% की ग्रोथ देखने को मिली थी। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स की अगर बात करें तो लास्ट ईयर कंपनी ने 441 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स डिक्लेयर किया था, जो कि इस बार बढ़कर 1175 करोड़ रुपए पर Q3 में पहुंच गया था। यानी कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर भी लगभग 166% की तेज़ी आपको देखने को मिली थी। साथ ही साथ अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने Q3 के अंदर 271 करोड़ रुपए का डिक्लेयर किया था, जो कि इस साल Q3 में बढ़कर 798 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, यानी कि 194% की ग्रोथ यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो एक चीज़ तो यहां पर क्लियर है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चल रही है। चाहे हम कंपनी के रेवेन्यू को यहां पर एनालिसिस कर लें, प्रॉफिट को एनालिसिस कर लें, या EBITDA को एनालिसिस कर लें, सारी चीज़ों में कंपनी की परफॉर्मेंस A1 यहां से निकल कर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पर कंपनी ने जो नेट डेब्ट डिक्लेयर करे हैं उसके बारे में भी अगर बात करें, क्योंकि किसी भी कंपनी की अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को आप देख रहे हो तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको कंपनी के ऊपर जो कर्जा है उसकी तरफ भी होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी ने जो यहाँ पर डेब्ट डिक्लेयर करा है उसके बारे में एक बार के लिए यहाँ पर जान लेते हैं। तो कंपनी ने मार्च 2020 के अंदर स्टैंड लोन डेब्ट 1189 करोड़ रुपए का डिक्लेयर किया था, और अगर कंसोलिडेट यहां पर अगर हम डेब्ट की बात करें तो 6,917 करोड़ रुपए का डिक्लेयर किया था, जो कि अगले क्वार्टर यानी कि Q2 के अंदर बढ़कर स्टैंड लोन डेब्ट 3528 करोड़ रुपए पहुंच गया और कंसोलिडेटेड डेब्ट 3512 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। उसके अगले क्वार्टर यानी कि Q3 जो रिसेंटली यहां पर कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसमें स्टैंड लोन रिजल्ट 4394 करोड़ रुपए का,
कंपनी ने डिक्लेयर किया है। और अगर कंसोलिडेट डेप्ट की बात करें तो वहां पर आपको कुछ फिगर्स अच्छे देखने को मिले थे। यहां पर कंसोलिडेटेड डेप्ट के अंदर कंपनी ने अपने डेप्ट को कम से कम 1,000 करोड़ रुपए से रिड्यूस किया था, तो ये बहुत यहां पर बेनिफिट वाला चीज है। साथ ही साथ अगर हम कल के यानी कि Q4 के नंबर्स पे सबसे ज़्यादा अगर फोकस किसी चीज़ पे रहने वाला है तो वो है कंपनी के डेप्ट। यहाँ पर कंपनी अगर अपने डेप्ट को रिड्यूस करती है तो उसका बेनिफिट आपको आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अब अगर हम यहाँ पर पिछले 9 महीने की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करें यानी कि 2020-21 के जो 9 महीने यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं जिसमें कंपनी ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं, उसे अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के 9 महीने के कंपेयर में यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। साथ ही साथ इबिड्डा की अगर बात करें तो इबिड्डा के अंदर भी आपको यहाँ पर रिडक्शन के ही रेशो देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो उसमें भी सेम चीज़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी सेम चीज़ आपको देखने को मिल रही है। इन सभी गिरावट के पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न है, वो है COVID-19। कोविड का इम्पैक्ट शेयर की प्राइस के ऊपर साथ ही साथ शेयर की कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। यहाँ पर हमने बात करी कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, साथ ही अगर हम बात करें स्टैंड लोन रिजल्ट की तो उसके अंदर भी आपको सेम रेशियो यहाँ पर कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू भी यहाँ पर डिक्रीज है, इबिड्डा के अंदर भी आपको रेशियोज गिरते हुए ही देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पर कंपनी का कम हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। तो पिछले 9 महीने के रिकॉर्ड्स के कंपेयर में अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी ने रिसेंटली जो जुलाई 2020 में रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर आई थी, जिसमें सबसे पहले जुलाई 2020 में आपको बोर्ड की तरफ से अप्रूवल देखने को मिला था। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर जनवरी 2021 की बात करें तो जनवरी 2021 के अंदर BSE और NSE साथ ही साथ SEBI से भी यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका था और रिसेंटली यहाँ पर कंपनी को CCI की तरफ से भी अप्रूवल मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की आगे की परफॉर्मेंस के बारे में। तो कंपनी ने जो यहाँ पर अपना प्लान्स बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको जुलाई से लेकर अगस्त के महीने में यहाँ पर कंपनी की तरफ से लिस्टिंग और ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है DWH की। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है यदि आपने मदर सुमी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो। साथ ही साथ कल कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाले हैं इसमें कंपनी रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर कुछ बड़ी अपडेट को लेकर भी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर सकती है। तो यदि आपने मदर्स एंड सुमी सिस्टम लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कल की डेट यानी कि 2 जून 2021 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी शेयर होल्डर्स के लिए। तो डेफिनेटली अगर आप रिजल्ट को कंप्लीट में एनालिसिस करना चाहते हैं, उसकी कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो वो आपको हमारे YouTube चैनल से देखने को मिल जाएगी। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये शेयर ने भी पिछले एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और यदि आपने इस शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म का व्यू रखा है तो डेफिनेटली ये शेयर्स आपको आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। चलिए दोस्तों अब सारी बातें हम कल की वीडियो में करेंगे, साथ ही साथ मदर्स एंड सुमी सिस्टम लिमिटेड को लेकर यहाँ पर जो भी अपडेट रहेगी वो आपको कंटिन्यूसली हमारे चैनल से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड।